Hello friends, welcome back to my class Stop Teaching Spoken English. Friends, today I have taken some important sentences for you. दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए कुछ अहम सेंटेंस लेके आया हूँ. ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अभी क्लास शुरू करना चाहता हूँ. उससे पहले मैं आप लोगों को एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मेरे ये क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें. अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें. और जो नया व्यूअर है, नया लर्नर है जो देख रहा है, वो मेरा चैनल को टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें. तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ. ये जो पहला सेंटेंस है, वे कल पहुँच गए, वे कल पहुँच गए. ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कुछ लोग हमारे यहाँ से चला गया, जैसे कि सोच लीजिए कहीं दूर जाने वाले हैं. घर में जब पूछे गए कि वो लोग कब पहुँचे, कोई मतलब जवाब देगा कि वो कल पहुँच गए. तो इसी तरह दे अराइव्ड यस्टरडे, वे कल पहुँच गए. दे अराइव्ड यस्टरडे. दे अराइव्ड यस्टरडे. वे कल पहुंच गए. जवाब में यही होगा कि दे अराइव्ड यस्टरडे. वहाँ कोई समस्या नहीं हुआ, अगर पूछे गए क्या कोई मुसीबत आई थी, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या, तो जवाब में आएगा ऐसा ही कि वहाँ कोई समस्या मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ है. तो ऐसा होगा देयर वॉज नो एनी प्रॉब्लम देयर. ये देयर ना बोलने से भी चलेगा. देयर वॉज नो एनी प्रॉब्लम देयर. वहां कोई समस्या नहीं हुआ, मतलब वहां कोई देयर वॉज नो एनी प्रॉब्लम देयर. और वहाँ क्या करता है? हिंदी में हम किसी से ऐसे पूछते हैं कि वहाँ अगर वो चला गया तो वहाँ शायद कुछ करते होंगे. तो वहाँ क्या करते हैं, हम इसके जवाब में, मतलब ये जवाब नहीं है, वो वहाँ क्या करता है, ये सवाल है. व्हाट डज ही डू देयर. वो वहाँ क्या करते हैं, व्हाट Does he do there? ये सवाल है. वो वहाँ क्या करता है, What does he do there? वो वहाँ क्या करता है. कल मौसम कैसा रहेगा, एक सवाल ऐसा हो सकता है, कोई किसी से पूछ सकता है कि वो वहाँ क्या करता है. तो ये सेंटेंस हिंदी में कैसा होगा, ये हिंदी में ही तो है. वो कल मौसम कैसा रहेगा, तो इंग्लिश में होगा How will the weather be tomorrow? How will the weather? Weather का मतलब होता है मौसम. Be tomorrow. This is a question. How will the weather be tomorrow? कल मौसम कैसा रहेगा. तो नंबर फाइव, तुम कब लौट आया, मतलब तुम कब लौटा, घर वापस कब आया. तो ये सवाल है. इंग्लिश में इसे कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, कैसे पूछे जाएंगे. तो इसको ऐसे पूछेंगे, व्हेन आर यू कमिंग बैक, मतलब तुम कब आ रहे हो, तुम कब लौट रहे हो. When do you come back? ऐसे बोलने से हो जाएगा. When do you come back? When are you coming back? तुम कब आ रहे हो, तुम कब लौट रहे हो, ऐसे बोलने से When are you coming back? और तुम कब लौटा, When do you come back? और When did you come back बोलने से भी हो जाएगा.
व्हेन डिड यू रिटर्न लिखने से भी चलेगा, व्हेन डिड यू कम बैक, तुम कब लौटा। और अब देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो वेयर डू यू गोइंग और वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम, ये भी क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये इंग्लिश में होगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो वेयर आर यू गोइंग। नंबर 7 है, हम कहाँ से गाड़ी ले सकेंगे, ये गाड़ी किसी स्टेशन में रोक के गाड़ी ढूंढ रहे हैं, मतलब भाड़े पे टैक्सी ढूंढ रहे हैं, तो किसी से मिलने के बाद कोई ये सब पूछते हैं कि भाई साहब हमको गाड़ी कहाँ मिलेगा भाड़े पे, मतलब टैक्सी कहाँ मिलेगा गाड़ी कहाँ मिलेगा, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसे ऐसे पूछ सकते हैं कि वेयर कैन आई रेंट ए कार, वेयर कैन आई रेंट ए कार। हम गाड़ी कहाँ भाड़े पे ले सकते हैं, मतलब हमको गाड़ी कहाँ मिलेगा, हम कहाँ से गाड़ी ले सकेंगे, ये सारी क्वेश्चन का एक ही इंग्लिश में वेयर कैन आई रेंट ए कार। रेंट का मतलब होता है भाड़े पे गाड़ी लेना, रेंट का मतलब होता है भाड़ा जो हम देते हैं, घर भाड़ा भी जो हाउस रेंट होता है, ठीक उसी तरह हम गाड़ी कैसे भाड़े पे, मतलब कहाँ से ले सकेंगे, वेयर कैन आई रेंट ए कार। तो देखिए, तुम कहाँ मिलना चाहते हो, कोई किसी को मिलना चाहता है, फोन पे बात हो रहा है, तो कह रहा है कि तुम कहाँ पे मिलना चाहते हो, तुम कहाँ मिलना चाहते हो, वेयर वुड यू लाइक टू मीट, तुम कहाँ मिलना चाहते हो, कहाँ मिलना पसंद करोगी, मतलब वेयर वुड यू लाइक टू मीट, तुम कहाँ मिलना चाहते हो, सेम मीनिंग है, एक ही अर्थ है इसका, तुम कहाँ मिलना चाहते हो। वहाँ कोई गाने की प्रोग्राम है क्या, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे, इंग्लिश में हम कैसे, मतलब ये सवाल कैसे पूछेंगे कि आर देयर एनी कॉन्सर्ट्स, कॉन्सर्ट का मतलब होता है गाने की प्रोग्राम, आर देयर एनी कॉन्सर्ट, वहाँ कोई गाने के प्रोग्राम है क्या, आर देयर एनी कॉन्सर्ट, तो यो सस्ता हो सकता है क्या, कोई सामान वगैरह खरीदते समय ग्राहक दुकानदार से पूछता है कि ये सस्ता हो सकता है, मतलब इसका दाम कम हो सकता है क्या, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये सस्ता हो सकता है कि हम कैसे इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, कैन इट बी चीपर, चीप का मतलब होता है सस्ता, कैन इट बी चीपर, कैन इट बी चीपर, ये सस्ता हो सकता है क्या, इसका दाम मतलब इसका कीमत कम हो सकता है क्या, सीपर सीपेस्ट, ये कंपैरेटिव में लिखा हुआ है, कैन इट बी सीपर, ये कम हो सकता है क्या, इसका दाम सस्ता हो सकता है क्या, रास्ते की मोड़ पर दुर्घटना घटी, इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, द एक्सीडेंट टू प्लेस, मतलब दुर्घटना हो जाने के बाद, घटना घटने के बाद हम ये से बोलते हैं कि द एक्सीडेंट टू प्लेस भी बोल सकते हैं, द एक्सीडेंट हैपेंड भी बोल सकते हैं, द एक्सीडेंट हैपेंड एट द इंटरसेक्शन, द एक्सीडेंट हैपेंड
एक्सीडेंट हैपेंड एट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है रास्ते का, रोड का मोड़, मतलब टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं वो है होता है मोड़, रास्ते की मोड़ पर दुर्घटना घटी। द एक्सीडेंट हैपेंड एट द इंटरसेक्शन। सो फ्रेंड्स गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज मोस्टली हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस ओवर एंड ओवर, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और सेफ रहिए। गुड बाय।